इस वेले असीं मौजूद हाँ जी गुरद्वारा श्री क्यारा साहब विखे। आओ इस गुरु घर के दर्शन करते हैं अते नाल दे नाल इत्थे दा इतिहास भी सुनते हैं। साहिब श्री गुरु नानक जी अपने वालद पिता कल्याणदास जी दे मवेशी चराया करदे सी अते अक्सर जिक्रे इलाही विच खो जांदे सी। एक मशहूर रवायत दे मुताबिक मवेशी खेतां विच जा के फसल उजाड़ देंदे सी। एक बार राय बुलार जी दे घर जो के पिंड दे हाकम सीगे एक ऐसी ही शिकायत मौसूल हुई कि इन्हां दे खेत मवेशियां ने उजाड़ दिते हन अते फसलां नूं तबाह कर दिता है अते ए मवेशी किसे होर दे नहीं बल्कि राय बुलार जी दे मुंशी दे पुत्तर दे सन। नुकसान दा अजाला करन लई जदों खेतां दा मुशाहिदा कीता गया तां वेख्या कि खेत पहले नालों ज़्यादा हरे भरे सन, जिस नाल ना सिर्फ राय बुलार बल्कि पिंड दे इर्द गिर्द दे लोग भी गुरु नानक दी शख्सियत नाल वाकफ हो चुके सन। गुरु जी दी शख्सियत नाल बचपन तो लै के नौजवानी तक ऐसे बेशुमार किसे जोड़े जांदे हन जिस तों यह पता लगाया जा सकता है कि गुरु जी उपर कुदरत दी खास मेहरबानी सी। पर गुरु जी दी गुरबाणी पढ़न तों यह पता लगता है कि गुरु जी ने केवल अते केवल एक परमात्मा नाल जुड़िया है जो सब दा राजक है अते सब दा पालनहार है। ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਬਣਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮੋ ਦਾਇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।